हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। नए साल 2023 की पहली पूर्णिमा पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, जरूर करेंगे एक काम। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान कर लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल पौष माह की पूर्णिमा 6 जनवरी के दिन कई शुभ योगों में आ रही है। आज हम आपको साल 2023 की पौष पूर्णिमा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में बताएंगे। पौष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में पौष पूर्णिमा का व्रत 6 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 2:14 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी प्रातःकाल 4:37 पर। पौष पूर्णिमा 2023 शुभ योग। पंचांग के अनुसार साल 2023 की पहली पूर्णिमा यानी 6 जनवरी के दिन 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए यह दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास होगा। ज्योतिष अनुसार इस दिन ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। इंद्र योग 6 जनवरी सुबह 8:11 से 7 जनवरी सुबह 8:55 तक, ब्रह्म योग 5 जनवरी सुबह 7:34 से 6 जनवरी सुबह 8:11 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 12:14 से 7 जनवरी सुबह 6:38 तक होगा। पौष पूर्णिमा पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लेकर सूर्यदेव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ दें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाएं और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद आरती करें। रात्रि चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करें और अगले दिन सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। पौष पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन गंगा जल मिले जल से स्नान कर सूर्यदेव को लाल पुष्प डालकर अर्घ देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करना शुभ होता है। पूर्णिमा पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंध, पुष्प, धूप दीप, पंचामृत, फल एवं मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान सत्यनारायण की कथा का विधिवत पाठ करें। संध्या काल में चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कच्चे दूध में चीनी व चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करें और रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।